Abiotic factor, the soil. First, the contents. Soil, soil characteristics, soil as habitat of different animals, effect of soil on the plant and the animal life. So, first, the soil. Students, so like other abiotic factor, soil is also an important abiotic factor of the ecosystem. बाकी एबाटिक फैक्टर्स की तरह बाकी एबायोटिक फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट हमारे पास दैट इज द टेम्परेचर दैट इज़ द वाटर और मॉइस्चर दैट इज द लाइट एंड सिमिलरली अदर फैक्टर्स जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे सॉइल इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स सॉइल रिप्रेजेंट द जियोलॉजी एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द एनिमल्स इन दैट पार्टिकुलर इन्वायरमेंट उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर जो सॉयल है वो रिफ्लेक्ट करती है कि इस सॉयल की वजह से जियोलॉजी मीन्स क्या शेप होगी अर्थ की किस तरह की अगर क्रे वाली सॉइल है फिर क्या शेप होगी सैंडी सॉइल है फिर क्या शेप होगी और जिस तरह की सॉयल की टाइप होगी उसी तरह से क्या होगा उसका सॉयल का टेक्सचर होगा उसके जो एक यानी कि जियोलॉजी बनेगी उसकी शेप बनेगी सिमिलरली द टाइप ऑफ सॉइल इट आल्सो द डाइवर्सिटी ऑफ़ लाइफ डाइवर्सिटी ऑफ़ लाइफ जो है उसके ऊपर भी क्या कर जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है वो बताती है कि इसके ऊपर किस तरह की लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती होगी

जो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो विच डायरेक्टली इफेक्ट द एनिमल लाइफ एनिमल लाइफ को जो इफेक्ट करने वाले जो करेक्टरसिक्स हैं उसमें दैट फर्स्ट वन इज द टेक्स्चर ऑफ सॉयल सॉयल का टेक्स्चर क्या है क्या वो क्ले वाली साइल है क्या वो ह्यूमस वाली सॉइल है और इट इज अ सेंडी सॉयल तो जिस तरह की सॉयल होगी डेट द टेक्स्चर ऑफ सॉइल जो इट विल इफेक्ट द एनिमल लाइफ देन द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द साइल देन द अदर करैक्टर इज द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल

सम केसेस में अगर इट हैज गुड प्रॉपर्टीज फर्टाइल है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है एक अच्छा टेक्सचर ऑफ साइल मौजूद है तो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स विल देयर मोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स विल भी देयर सो सॉयल इज एक्चुअली द हैबिटेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स हैं विच आर लिविंग विद इन द दॉयल एंड मैनी ऑफ द एनिमल्स दे आर लिविंग ऑन द दॉयल तो विद इन द दॉयल अगर हम देखें बहुत सारे मैनी ऑफ दर दी प्रोटोजोआ सॉयल प्रोटोजोआ की एक बहुत डायवर्सिटी बहुत रिच अमाउंट है सॉइल प्रोटोजोआ विच लिव विद इन द सॉयल जो सॉइल के अंदर जो आप मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर रह रहे हैं देन निमाटोड्स निमाटोड्स बहुत सारे निमाटोड्स हैं सॉइल का अगर हम थोड़ी सी सॉइल उठाएं तो इट मे कैरी थाउजेंड्स ऑफ था नीमाटोड्स तो इट इज़ वन ऑफ दी इन रिच आर वेरी डाइवर्स ग्रुप ये अगर हम देखें इसकी डेंसिटी नेमाटोड्स का या नंबर ऑफ नीमाटोड सॉइल के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वन ऑफ दी रिचेस्ट एनिमल फाइला जो कि सॉइल के अंदर जो ज्यादा मौजूद है वो नेमाटोड्स हैं देन द एनी लीड्स एनी लीड्स में हमारे पास एग्जाम्पल द अर्थ वर्म्स दे लिव इन दॉयल सिमिलर द आर्थरोपोड्स मैनी ऑफ द आर्थरोपोड्स इंसेक्ट्स हैं या बहुत सारे हैं जो विचलेव विद इन द सॉयल है देन मैनी ऑफ द वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स हमारे पास जब वो सेलेमेंडर स्नेक्स

रॉक्स हैं स्टोन्स हैं और सेंड है वहाँ रहना वो प्रेफर करते हैं जबकि वो क्ले वाली सॉयल या ज्यादा जो मर्डी सॉयल है वहाँ रहना प्रेफर नहीं करेंगे तो इट मीन्स कंडीशन ऑफ सॉयल विल डिटर्मिन विच टाइप ऑफ एनिमल्स विलव देअर वट इज इफेक्ट ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ तो सिंपल सी जैसे अभी हमने बात की है कि सॉयल जो है इफ इट इज़ हैविंग इट इज फर्टाइल अगर ये फर्टाइल है इट इज़ हैविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मौजूद है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं तो इट विल सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये प्लांट्स की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी और जितने प्लांट्स ज़्यादा होंगे उस हिसाब से जो एनिमल्स का नंबर है वो भी ज़्यादा डाइवर्स होगा मोर नंबर ऑफ प्लांट्स मोर डाइवर्स विल द एनिमल्स देयर तो इससे ये एक इनडायरेक्ट फीचर है कि अगर फर्टाइल सॉयल है तो उससे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे और प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करने से एनिमल्स क्या करेंगे उसको आगे उसको सर्वाइव कर सकें है, वहाँ हैबिटेट उनको मिल सकेगा